हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। तो गाइस, हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और ड्यू टू सम टेक्निकल एरर आई वोंट बी एबल टू गो लाइव एट द मोमेंट, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर यू। देर आर सम क्वेश्चंस विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, जब भी आपका एग्जाम का शेड्यूल होगा, ये समझ लीजिए कि अपकमिंग एग्जाम जो आपके हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दिस इज आवर टीम, whether it's GA, reasoning, quant, English, whatever the subject, we will provide our best faculties. Okay, chaliye agli taraf chalte hain. You know me as well, I'm Mirza Beg, you can call me Mirza. I have relevant years of experience teaching in this sector. So guys, that's on from my side. Chaliye ab aage chalte hain. Crack bank exams with India's largest learning platform. And that platform is Unacademy. So just mention one thing, just remember one thing, let's crack it. आप ये चीज समझिए कि आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, पजल्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बाय यूजिंग वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और आपको सब्सक्रिप्शन कितने का पड़ेगा, ध्यान रखिए, सब्सक्रिप्शन जो आपको पड़ेगा वो आपका मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली एंड टू ईयर का। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो बेस्ट जो पड़ रहा है आपको टू ईयर का, और यहां पर आपको टू ईयर का एक्स्ट्रा 10% के ऑफ के साथ मिलेगा। पर वो एक्स्ट्रा 10% आप मेरा रेफरल कोड यूज करके ले सकते हैं, एंड द रेफरल कोड इज LIVEMEB। ओके गाइस, सो ये हमारे रिचुअल्स हैं, डेली रिचुअल्स, जिनको हम फॉलो करेंगे आपके साथ। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड अर्थमेटिक क्वेश्चंस। इनफैक्ट सम ऑफ देम आर प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, सम ऑफ देम आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर SBI क्लर्क मेंस और RBI असिस्टेंट मेंस, यहां पे समझिएगा। ठीक है, अब यहां पर वो क्वेश्चंस क्या है, देखिए सेशन बहुत ज्यादा बड़ा मैंने नहीं रखा है आज यहां पे, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं, लाइव नहीं जा पा रहा हूं इसलिए। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि ये इंपॉर्टेंट होगा, और यहां पर न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं। न्यू पैटर्न क्वेश्चन वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ऑलराइट। तो यहां पे समझिए कि आपको यहां पर कई चीजें एक साथ मिल जाएंगी। न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वो यूपीएससी के ट्रेंड पर रहेगा, ऑलराइट। तो चलिए हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन आपके क्या है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर उठाएं, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, सतीश ने एक्स अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए और 146 दिन, यहां पे समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है डेटा, 2 years and 146 days के लिए उसने इन्वेस्ट किया, किस रेट पर, 5% के रेट पर, ऑलराइट। आफ्टर दिस पीरियड ही गॉट 9964 एज इंटरेस्ट, यानी उस पीरियड के बाद उसे 9964 इंटरेस्ट के रूप में मिला। इफ सतीश इन्वेस्टेड एक्स अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट, अगर सतीश वही एक्स अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए 10% के रेट से 2 साल के लिए इंटरेस्ट पे रखे, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहां पे समझो 5% पर एनम था, ठीक है, यानी आपको 2 साल के ऊपर जा रहा है, तो 3 साल का आपका क्या बनेगा, स्लैब बनेगा। तो जरा फ्रैक्शन में करते हैं, देखते हैं 1/20, 1/20 और 1/20, जो सबसे आखिरी वाला स्लैब होगा वो 1/20 होगा 3 पार्ट में, यानी हम इसको प्रिंसिपल ले सकते हैं 8000। तो हमारा स्लैब बनेगा इसका 1/20 के हिसाब से 400 और यहां पे 20 20 20 और 1। अब यहां पे समझिए, ये 2 साल तक के तो आपका 5% रेट मैच करेगा, ठीक, लेकिन यहां पर 5% रेट नहीं करेगा जो 2 साल के ऊपर गया है। क्यों, क्योंकि 2 साल के ऊपर आप सिर्फ 146 डेज गए हैं, और हमारा ये पूरा साल भर का है, और साल भर में कितने दिन होते हैं, 365, तो ये 73 से जा रहा है, यानी इसको हम जोड़कर पूरा हम डिवाइड करेंगे 2/5 से, तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 996.4, और वो बराबर है 9964, देखिए एक दूसरे का मल्टीपल, तो 1:10 के बराबर। तो 8000 जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका 80000 के बराबर हो जाएगा, यहां पे समझे, यानी ये 80000 के आपके बराबर हो गया।
अब यहां पे देखिए, अब इस पे आपको इंटरेस्ट लेना है कितना, 10%, कितने साल के लिए, 2 साल। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल, सीधे 20% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16,000 इज द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारा इजी वे में सॉल्व हो गया, देखा आपने। चलिए ये अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यू पैटर्न क्वेश्चन है ये, इसको हम बोलते हैं न्यू काइंड ऑफ, न्यू पैटर्न इनइक्वालिटी, ठीक है, न्यू पैटर्न इनइक्वालिटी। ओके, न्यू पैटर्न इनइक्वालिटी यानी अगर हम देखें, एक जार में आपके 2.5 लीटर क्या है, वाटर है, और 10 लीटर आपका मिल्क है, ठीक, यानी 12.5 लीटर है। अब उसमें से 20% आपने निकाल लिया, तो 20% का मतलब 2.5 निकल गया, तो अब बचा कितना, 10 लीटर बचा, 10 लीटर वॉल्यूम बचा। रेशियो अभी भी वही है, 1:4 का, क्योंकि ये रेशियो भी 1:4 है। और इसमें ऐड किया गया एक्स लीटर वाटर, ठीक है, टू रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। अच्छा, यानी आपको उस कंपेयर किसको करना है, एक्स और वाई को। तो चलिए पहले हम एक्स निकाल लेते हैं, यानी जो पहले वाटर और मिल्क का रेशियो था वो ये वाटर, तो हम वाटर लेके चलते हैं, यानी अगर हम देखें तो 1/5, 1, और यहां पर कितना हो जाएगा, 4/5, क्योंकि रिवर्स हो गया रेशियो। जैसे ही इसमें आपने एक्स लीटर वाटर मिलाया तो ये रेशियो रिवर्स होके हो जाएगा 4/1, तो ये हम ले लेंगे 4/5। बस आपको लगा देना है एलसीएम से, सॉल्व कर लीजिए, यानी आपका आएगा ये कितना, ये 20%, ये 100%, तो ये 80%, यानी 100 में से 80 गया 20, यानी आपका आएगा एक तरीके से 1, ठीक है। और यहां पर कितना आएगा, 20 में से 80 गया 60, यानी ये हो जाएगा 3। यानी अगर हम देखें, एक हिस्सा आपके पास 10 लीटर था, अब जो आपके पास मिलाया गया वो 30 लीटर मिलाया गया, यानी एक्स की वैल्यू जो आपकी बनी वो 30 लीटर की बनी। तो अब अगली बार जो डेटा आपके पास है उसमें आपके पास बर्तन में कितने लीटर है, 40 लीटर, पर इस बार रेशियो क्या हो चुका है, ये चीज समझिएगा, वाटर और मिल्क का 4:1 का रेशियो हो चुका है, ठीक है। अगर ये 4:1 का रेशियो हो चुका है तो इस बार आपने मिल्क मिलाना है, यानी मिल्क की क्वांटिटी 1/5, अगेन 1, और ये हो जाएगा 4/5, अगेन आपका जो एलिगेशन का आएगा रेशियो 1:3 का आएगा, पर इस बार 1 की क्वांटिटी कितनी है, 40, तो इस बार आपका वाई आया 120, यानी वाई की आपकी क्वांटिटी 120। क्लियरली आपका वाई इज ग्रेटर देन एक्स, यानी क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ये मत समझिएगा कि क्वांटिटी आपका वो अलग हो रहा है। ऑल राइट, तो ये आपका फिफ्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। आर वी क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये भी मिल्क एंड वाटर से है। कह रहा है अ कंटेनर, ये समझ लीजिए, ये एसबीआई क्लर्क मेंस 2018 का सवाल है, ठीक। आपसे कह रहा है 165 लीटर का बर्तन है, 165 लीटर प्योर क्या है, मिल्क, ठीक। उसमें से सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, एक्स क्वांटिटी आपने निकाल ली। अब उसके बाद देखो, हाफ ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी उस क्वांटिटी का, मिल्क का आधा, देखिए छोटा सा कॉमा लगा हुआ है, वाटर इज एडेड इन द कंटेनर, यानी वाटर ऐड किया गया। तो 165 में से आपने सपोज करिए 2x निकाल लिया, तो ऐड क्या किया गया, वाटर, एक्स। अब वाटर तो था नहीं पहले, तो हमने मिल्क में से मिल्क निकाल के अलग कर दिया, अब बचा हुआ मिल्क ये है। तो अब मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर समझिए, रेशियो 5:3। ऑलराइट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 45 लीटर। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, चलिए ये चीज अगर क्लियर है तो आंसर आपका जो बन गया वो कितना बना, 45 लीटर बना, ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर आया बी वाला, क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है, ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट 84 किलोमीटर पर आवर ओवरटुक ट्रेन बी, यानी ट्रेन ए ट्रेन बी को ओवरटुक कर लेती है, ठीक है। यहां पे ट्रेन ए है 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, ट्रेन बी को उसी डायरेक्शन में जाते हुए ओवरटुक कर लेगी,
ठीक है, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। अब ट्रेन बी की स्पीड आपको नहीं पता, सपोज करिए एक्स थी, ठीक। तो अब यहां पे खुद सोचो, दोनों ट्रेनें आपस में जुड़ जाएंगी, लेंथ जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगी एल ए प्लस एल बी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दोनों का भाई देखो ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन का मतलब है 84 माइनस एक्स, कितना समय लगा भाई यहां पे 10 सेकंड, और 10 सेकंड को हम यहां पे 3600 से डिवाइड कर देंगे। और उसी को अगर कहा जाए कि सेम ट्रेन, ठीक है, अगर ट्वाइस स्पीड से चले, तब देखिए यहां पे, तो इस बार 84 माइनस ट्वाइस एक्स, और वही आपको जो समय लगा 22.5, यानी अभी भी 3600 से, तो ये 3600 का रोल नहीं रह गया यहां पे, समझिएगा, गया। अब यहां पे देखो ये पॉइंट हटेगा तो जीरो आ जाएगा, 25 4 और 25 9, यानी अगर आप इसे सॉल्व करें तो यहां पे देखेंगे कि यहां पर जो चार है कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा और घट जाएगा, उधर आएगा 84 इंटू 5, और यहां पे ये माइनस 4 और 18, अगर आप यहां पर देखो यहां पे 18 हो जाएगा, ठीक, और यहां पे कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब ये उधर जाएगा, इस साइड आएगा, तो यहां पे बचेगा 14x, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 30। ऑलराइट, x की वैल्यू आपकी 30 आ गई। बस आप किसी में भी पुट कर दिए, आपको लेंथ पता चल जाएगी। क्या कह रहा है, एल ए प्लस एल बी इज इक्वल टू 54 गुणे 10 सेकेंड रखो, 54 को आप चेंज कर लो किलोमीटर पर आवर से, आप चेंज कर लो, ये कितना हो गया 150। अब यहां पे समझो 150 आपका क्या हो गया मीटर में, और आपको कह रहा है कि गिवन दैट फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, गिवन दैट इट इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, यानी ट्रेन ए की लेंथ का आधा, कितना हो जाएगा 3L, यानी L की वैल्यू कितनी 50, यानी अगर एक ट्रेन की लंबाई 2L थी तो दूसरे की L थी, तभी तो 3L हुई, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, देखिए क्वेश्चन को लॉजिकली समझिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर को, मेंसुरेशन के ऊपर जरूर सवाल आता है, ये चीज समझ लीजिए, मेंसुरेशन के ऊपर एक सवाल जरूर पूछता है, बहुत ही आसान सवाल होता है, टिपिकल नहीं होता है, ठीक है। कैसा सवाल है चलिए देखते हैं। कह रहा है मैं एक सॉलिड स्फीयर है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, जिसकी रेडियस है, यानी एक गोला है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एंड रिकास्टेड इनटू हॉलो। हॉलो का मतलब है कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ गड्ढा है इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे ये हॉलो है, यानी इसका मतलब है इसकी रेडियस अलग होगी और इसकी रेडियस अलग होगी, थिकनेस होगी कुछ। कह रहा है कि इफ द एक्सटर्नल रेडियस, बाहरी रेडियस 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 32, यानी अगर हम बड़े रेडियस की बात करें तो वो 5 और हाइट जो है वो 32, बस आपको क्या करना है थिकनेस निकालना है। तो खुद सोचो थिकनेस कैसे निकालोगे भाई, 4/3 πr³, और यहां पर क्या हो जाएगा पाई आर, आर कितना है आपको पता है 5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू 32, बस आपको इसने सॉल्व कर देना है, और ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो ये 3 से जा रहा है 2, अब यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 36 और 2 72 72, ये पूरा जाएगा आपका 9, यानी 9/5 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, क्लियरली आर आपका कितना आ जाएगा 4, तभी तो 9 बनेगा। अब अंदर की रेडियस 4, बाहर की रेडियस 5, तो क्लियरली आप खुद देखो थिकनेस कितनी हो जाएगी, थिकनेस आपकी 1 हो जाएगी। इजी वे में आपने सवाल सॉल्व कर लिया। देखिए मेंसुरेशन के आपको फॉर्मूले याद होंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हमारा अगला सवाल प्रोबेबिलिटी पर है, ये चीज ध्यान रखिए। अब ये कैसे करोगे, देखो 2 बैग है, ठीक है, डिफरेंट कलर, एक बैग ए में 2 रेड है और 3 ग्रीन है और 5 व्हाइट बॉल है। चलो बैग ए में अगर देखें तो रेड, ग्रीन और व्हाइट, रेड कितनी है 2, ग्रीन कितनी है 3, व्हाइट कितनी है 5। ऑलराइट, और बैग बी में
आप यहां पे खुद समझो, फोर रेड है, ठीक है, रेड कितनी है चार, ग्रीन कितनी है एक्स, और व्हाइट कितनी है तीन बॉल्स, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा कि आप इसको करेंगे कैसे। कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ग्रीन बॉल्स, यानी दो ग्रीन बॉल्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी ए की 7/330 ज्यादा है किसके से, तीन ग्रीन बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी बी से। तो बैग ए से निकल रहा है दो बॉल्स और बैग बी से निकल रहा है तीन बॉल्स। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखिएगा। अगर आप यहां पे बैग ए का डेटा देखें तो सब पता है आपको, यानी आप ग्रीन निकालोगे तो ग्रीन ग्रीन में से आएगी, यानी 3c2 डिवाइडेड बाय 10c2 माइनस, ठीक है, मोर है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, दूसरा वाला आपका हो जाएगा भाई तीन आपने निकालनी बॉल, तो xc3 डिवाइडेड बाय कितना 7+xc3 इज इक्वल टू कितना 7/330। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 आएगा और यहाँ पे 45 आएगा, तो ये 1/15 हो जाएगा। और जब आप 1/15 को सब्ट्रैक्ट करोगे 7/330 में से, तो आपका बचेगा जो, वो क्या बचेगा भाई, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 22-7/33 330, ओके, यानी 22-7 यानी 15, यानी 1/22 ही आपका बचेगा। और यहाँ पर आपका क्या है xc3/7+xc3। बस अब इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, इसके आगे आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करके देखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप यहां पे देखो तो कैसे बन रहा है 1/22, थोड़ा सा दिमाग कैसे मैं आपको दे रहा हूं, देखिए ये हो जाएगा x-1 x-2 डिवाइडेड बाय आपका यहां पे कितना होगा x+6 और x+5, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आप यहां पे x की वैल्यू क्या रखोगे, अगर 4 रखोगे तो देखो 22 यहां पे बन रहा है, 22 का मतलब है 11 बनना चाहिए, तो 4 का मतलब ये 11 बनेगा, ये 10 बनेगा और ये, पर यहां पे 4 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो जरा गुणा करके देखो, 4×3×2/11×10×9, अब जरा देखो ये 3 जा रहा है, ये 3 जा रहा है, ठीक है, ये 4 से जा रहा है 2, तो यहां पर 2, 2, 4 बच जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ऊपर 1 बचना चाहिए। जरा 5 रख के देखो, तो 5, 4 और 3 डिवाइडेड बाय 12, 11 और 10, अब देखो यहां पे 5 से 2 गया, ठीक है, 3 से 4 गया, 4 से 4 गया, 1/22 मैच कर गया, आप रखोगे यही आपका आंसर 5 वाला करेक्ट है। अब खुद सोचो आगे कैसे चेक होता, नहीं आगे आपको करना ही नहीं था, क्यों, क्योंकि खुद सोचो अगर x की वैल्यू, ये दोनों निगलेक्ट कैसे हो रही थी मैं बताता हूं, अगर आप x की वैल्यू 6 रखोगे तो 13 हो जाएगा, 7 रखोगे तो भी 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको 6 और 7 तो निगलेक्ट कर देना, बस 5 और 4 को चेक करना था कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, इजीली हमने क्वेश्चन को मैच करा दिया। आर वी क्लियर, एनी डाउट्स? चलिए अगला सवाल देखिए, इसी के ऊपर है, बस ये आपको बताना है, ये यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन है, यूपीएससी पैटर्न का जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, ट्रेन बी क्रॉसेस ईच अदर इन 18 सेकेंड, ओके, वाइल ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन है और ट्रेन बी है तो वो एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड दोनों की दी हुई है, एक की है 72 और एक की है 54, ये चीज ध्यान रखिएगा, और दोनों की लेंथ का डिफरेंस दिया है, ट्रेन ए ट्रेन बी से 170 मीटर कम है, बहुत अच्छे, हमें निकाल लेना है, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो दोनों की लेंथ जुड़ेगी, दोनों की स्पीड जुड़ेगी, 5/18 करना जरूरी है, और यहां पर 18 सेकेंड, तो 18 18 गया। अब उसके बाद यहां पर क्या कह रहा है, लेंथ बी माइनस लेंथ ए इज इक्वल टू कितना दिया है 170। अब आप अपना दिमाग लगाइएगा, इसको सॉल्व मत करने लगिएगा, क्योंकि यहां पे आपको बताना है कि क्या क्या है। अब खुद सोचो, ट्रेन का लेंथ ए का पता चल जाएगा, हाँ पता चल जाएगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस अ पोल, अच्छा एक बात बताओ, टाइम टेकन बाय
ट्रेन बी टू क्रॉस अ पोल, यानी एक पोल को क्रॉस करने के लिए कितना समय लेगी, क्या ये पता चल जाएगा। देखिए पोल को जब पार करती है तो जो समय लेगी वो ट्रेन की लंबाई बताएगी, ठीक है, और ट्रेन उसको पार करने में कितना समय ले रही है ये पता होता है। या तो हमें ये पता हो कि भाई स्पीड क्या है, स्पीड हमको यहाँ पर पता है, तो यहाँ पर लंबाई जो आपको मिलेगी भाई अगर इस पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और स्पीड दी हुई है, तो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस अ पोल, यहाँ पे पोल का डेटा हमें नहीं पता चल पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 233, ट्रेन ए जो है टाइम बताएगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का। अब यहाँ पे समझो, ट्रेन ए की लंबाई पता है, ठीक है, ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, ठीक है, यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे दो चीज़ें पता है, ठीक है, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हम पूरा डेटा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे समझिएगा, पोल वाला डेटा भी आप बता सकते हो क्योंकि स्पीड पता है और ट्रेन की लंबाई पता है, तो भाई जितनी वो पूरी लंबाई, भाई वही लंबाई ले लोगे ना, ये भी तो समझो, तो इसका मतलब है ये भी डेटा आपका अवेलेबल है, तो सी वाला भी डेटा अवेलेबल है। अब कह रहा है इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ट्रेन्स, अब ये आप डिस्टेंस कैसे बताओगे ये मुझे बताओ, तो आपका डी वाला नहीं होगा, सिर्फ आपका ए बी सी होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इनिशियल डिस्टेंस, भाई खुद सोचो इनिशियल डिस्टेंस कितनी दूर से है ये बताना मुश्किल है, ठीक है, ये चीज समझिएगा। ऑलराइट, चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा टाइम एंड वर्क के ऊपर है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये SBI क्लर्क मेंस का है सवाल, ठीक है, आप इसको कैसे करोगे। अब यहां पे समझना, कह रहा है ए बी सी डी आर एम्प्लॉयड टू फिनिश अ वर्क, ठीक है, ए बी सी डी एक काम को करने के लिए है, पर सी 4 दिन कम लेता है, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन, तो यहां पे क्लियरली सी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से ज्यादा हो गई। ऑलराइट, ये चीज समझिएगा, सी की एफिशिएंसी ए की, और कितने दिन का डिफरेंस, 4 डेज का, ठीक। वाइल डी टेक्स 1/4 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, यानी 1/4 समय ले रहा है, तो डी की एफिशिएंसी 4 गुना हो जाएगी। अब उसके बाद कह रहा है टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 1 डे, तो ए बी सी और डी 1 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। अब कैसे काम शुरू हुआ, ए बी सी काम शुरू करते हैं, ठीक, यहां पे कह रहा है ए बी सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर विदाउट डी, यानी ए बी सी ने स्टार्ट किया और 1 दिन बाद कौन चला गया, 1 दिन बाद सी चला गया, एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड इन 2 more days। अब यहां पे समझो ए और बी अब बाकी काम करेंगे कितने और दिन, 2 दिन, अब इसका मतलब है ये टोटल वर्क खत्म, ये टोटल वर्क हो गया, सॉरी ए बी सी गया, यानी डी की क्षमता ए और बी की क्षमता की 2 गुनी है, यही है ना। अब यहां पे समझो, यहां पे डी की क्षमता ए और बी की क्षमता से कंपेयर हो रही है जो कि ट्वाइस है, जरा गौर से देखिए, यहां पे डी 4 है, यहां पे 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा, जैसे ही 2 से गुणा किया हमें कंपेयर करने को मिल गया, बी यहां पर 1 तो ए भी 1 हो जाए, क्योंकि टोटल मिला के कितना है, 2। अब आप खुद सोचिए, हमें सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, हमारा खेल पूरा हो जाएगा। अब टोटल वर्क आप कैसे बताओगे, भाई देखो ए बी 2 काम करते हैं, ठीक है, और डी आपका 4 काम करता है, 4 क्षमता रखता है, तो कितना हो जाएगा, 6। अब खुद सोचो सी कितना होना चाहिए आपका कि ए और सी के बीच में 4 दिन का डिफरेंस हो। अब यहां पे हिट एंड ट्रायल अगर मारो तो आपको पता चलेगा कि अगर आप सी को 2 एफिशिएंसी वाला रखो, यानी सी 2 क्षमता वाला हो, तो अब आप खुद सोचिए कि सी के अगर यहां पे 2 क्षमता है तभी टोटल काम कितना होगा, 8। 8 काम होगा तो सी 2 क्षमता रखता है और वो 2 काम के बरस पे, मतलब
एफिशिएंसी पर चार दिन लेगा, जबकि ए की एफिशिएंसी एक है तो वो आठ काम को कितने दिन में करेगा, आठ दिन में करेगा। हमारा डेटा मैच कर गया, चार दिन का डिफरेंस, यानी बस यही चीज बतानी थी कि सी कैन फिनिश द वर्क अलोन, कितने दिन में, चार दिन में खत्म कर लेगा। तो देखा फ्रेंड्स, हमने जो सवाल किए बहुत ही इजी वे में सवाल किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, ऑलराइट, अगला सवाल आपसे कह रहा है, ये भी देखिए आपका वही यूपीएससी पैटर्न पर है, ठीक। अगला सवाल कह रहा है, विक्रम ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई विद अ स्पीड एस किलोमीटर पर आवर। यानी विक्रम पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई एस किलोमीटर पर आवर से गया, अगर उसने अपनी स्पीड एस प्लस 12 किलोमीटर पर आवर कर दी तो वो एक घंटा पहले पहुंच जाएगा, पर अगर उसने अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर घटा दी तो वो 30 मिनट लेट होगा। तो ये दोनों लोग किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस की। तो अब यहां पे डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एक याद करिए डिफरेंस का फॉर्मूला था, एस 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 वन एस टू अपॉन एस वन डिफरेंस एस टू इंटू टाइम डिफरेंस, बस यही लगाना है आपको। यानी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो पहला वाला एस था, दूसरा एस प्लस 12, अंतर तो वही 12 किलोमीटर पर आवर का, इस बार इन्हें एक घंटा पहले मिला, पर अगली बार जब स्पीड घटाई गई तो ये जनाब आधा घंटा लेट हो गए। बस आपको यहां पे सॉल्व करते जाना है इसको, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब है आप सॉल्व कर सकते हो 2s प्लस 24 इज इक्वल टू 3s माइनस 12, यानी s की वैल्यू आ गई 36, जहां s मिला 36। अब देखो चाहो तो इसे सॉल्व करो चाहे नहीं, देखिए यहां पे राम की स्पीड हाँ पता चल सकती है इफ ही ट्रैवल, ठीक है, विक्रम कैन ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट इफ ही ट्रैवल सेम डिस्टेंस विद, ठीक है, बट इफ ही ट्रैवल स्पीड ऑफ राम हु कैन ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। अच्छा देखो राम की स्पीड पता चल सकती है, क्यों पता चल सकती है, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस निकल आएगी, क्यों, स्पीड निकल आई है, ठीक है। तो यहां पर पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, विक्रम की स्पीड पता चल जाती है व्हेन ही रीचेस 30 मिनट्स लेट, ये विक्रम की स्पीड पता चल सकती है। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इफ जेड लाइज इन बिटवीन एक्स एंड वाई, अब यहां पर समझिएगा पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई जा रहा है तो हम यहां पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक्स और जेड की, क्योंकि लाइज इन बिटवीन एक्स एंड जेड वाई, यानी एकदम बीच में उसके, इन बिटवीन यानी मिड में नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मिड में नहीं है तो ये नहीं, वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू पता चल सकती है, तो यानी ए बी और डी, ए बी और डी, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, वन वाला, ये चीज ध्यान रखिएगा, लाइज इन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में है पर हमें नहीं पता है कि जेड की कितनी दूरी होगी, ओके तो हम एक्स और जेड का नहीं बता पाएंगे। तो यहां पर आपको जो आंसर मिलेगा वो ए वाला ही मिलेगा, बस यहां पे देखिए आपको सॉल्व नहीं करना था, आप चाहे तो ऐसे ही देख के बता सकते थे कि आपको डिस्टेंस भी पता चल जाएगी स्पीड भी पता चल जाएगी। ऑलराइट, सभी को क्लियर। चलिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका कह रहा है कि भाई गोरखधाम एक्सप्रेस और लिच्वी एक्सप्रेस रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 72 एंड 84 किलोमीटर पर आवर, यानी गोरखधाम इधर से आ रही है, लिच्वी इधर से आ रही है, ठीक है। इफ गोरखधाम एक्सप्रेस एंड लिच्वी एक्सप्रेस पासेस इंटरसिटी एक्सप्रेस, अच्छा, विच आर एट रेस्ट having the length 240 meter in 26 second and 24 second, यानी कहने का मतलब है कि जो वो लिच्वी एक्सप्रेस है उसको वो रेस्ट में रखा है, ठीक है, तो यहां पे समझिएगा, और उसकी दूरी, उसकी लंबाई कितनी है, 240। तो अब आप यहां पे समझिए, कह रहा find in what time लिच्वी एक्सप्रेस will pass गोरखपुर if गोरखधाम इफ बोथ रनिंग इन सेम डायरेक्शन, यानी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। अब आप इसको कैसे करोगे ये चीज समझो, देखिए अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहां पे कह रहा है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, इफ गोरखधाम ने लिच्वी को पास किया, ठीक है, लिच्वी
वेट अ मिनट, इफ गोरखधाम एक्सप्रेस एंड लिच्वी एक्सप्रेस पास्ट, ये है। तो यहां पे गोरखधाम की लंबाई जी, लिच्वी की कितनी है नहीं पता अभी, तो इन दोनों ने ये पूरी दूरी तय की और एक रेस्ट में है, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही, यानी 72 5 बटे 18 गुणे कितना हो जाएगा, कितने सेकंड में पार किया था, 24 26 सेकंड में पार किया था, ठीक। और यही चीज अगर लिच्वी ने पार की है, ठीक, तो यहां पे 240 जुड़ जाएगा। किस ट्रेन को पार किया है, वही इंटरसिटी जो रेस्ट में खड़ी है, तो स्पीड यहां पे सिर्फ लिच्वी की ली जाएगी, यानी 84 गुणे 5 बटे 18 और इसने कितना समय लिया था, 24 सेकंड, ठीक है। तो यहां से आपको लिच्वी और गोरखपुर दोनों की दूरी यानी लंबाई, एक तरीके से दूरी जो हम लोग बोलते हैं वो लंबाई के टेंस में बोलते हैं, ठीक है, टर्म्स में बोलते हैं। तो यहां पर जो लंबाई पता चलेगी वो लिच्वी की पता चलेगी और गोरखधाम एक्सप्रेस की पता चलेगी। अब खुद सोचो दोनों क्या कह रहे हैं, फाइंड इन व्हाट टाइम लिच्वी एंड विल पास गोरखधाम इफ बोथ रनिंग इन सेम डायरेक्शन। अब यहां पे समझो, तो यहां पर कौन किसको पास करेगा, लिच्वी, यानी लिच्वी की लंबाई ज्यादा है, तो इसका मतलब लिच्वी माइनस गोरख प्लस गोरखधाम, स्पीड दोनों की घट जाएगी, यानी 84 में से 72 गया 12, यानी 5 बटे 18। बस ये आपको समय बताना है आफ्टर क्लियरिंग दिस टू डेटा, यानी इन दोनों डेटा को निकाल कर आप यहां पर उसकी दूरी को बता, उसके समय को बता सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, ये आप खुद सॉल्व कर लिएगा, बस मैंने मेथड बताया, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूरी बस क्या होगी, अलग अलग इसलिए होगी क्योंकि एक जगह पे लिच्वी की लंबाई जुड़ेगी और एक जगह पे गोरखधाम की लंबाई जुड़ेगी। लिच्वी को लगा कितना समय, 24 सेकंड, ठीक है, और गोरखधाम को लगा 26 सेकंड समय, ये चीज ध्यान रखिए। दोनों में 240 जुड़ेगा इसलिए क्योंकि वो ट्रेन है, ट्रेन की डायमेंशन में होती है वैल्यू, ठीक है। तो ये क्लियर है सभी को, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन, इसी तरीके से हम आपके साथ और भी क्वेश्चंस को लेकर आते रहेंगे फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे समझने की जरूरत है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, अगर आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको भी उसी तरीके से अपने आप को चेंज करना होगा। मैंने आपको कुछ यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन कराए, कुछ आपके जो है पुराने थे क्वेश्चन, लेकिन जो थे वो ट्रेंडिंग में अभी भी बने हुए हैं। देखिए, जो दो चीजें हिट करती हैं आपको, वो करती हैं एग्जैक्ट नॉलेज और आपका क्या कॉन्फिडेंस, ये चीज ध्यान रखना है। वो दोनों आप लेकर ही एग्जाम में उतरेंगे तभी आपको यहां पर सक्सेस मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम्स पे, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।